बिग फिश ट्रैक्टर। मछलीपुरम नाम के गांव में शिवा नाम का लड़का रहता था। वो उसी गांव की एक लड़की से मोहब्बत करता था, पर वो लड़की उसकी मोहब्बत को ठुकरा देती है, तो शिवा उदास होकर समुद्र में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, पर एक बड़ी सी मछली आकर उसे निगल जाती है। शिवा उस बड़ी मछली के पेट में जिंदा रहता है। कुछ मछुआरे जाकर उस बड़ी सी मछली को पकड़ते हैं और उसे एक बड़े से ट्रैक्टर में रखकर ले जा रहे थे कि तभी मछली के पेट से शिवा कहता है, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन है कौन है, कौन पुकार रहा है? अरे लगता है इस मछली को ले जा रहे हैं तो ये पुकार रही है। अरे मछली जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। अरे वो मछली नहीं, मैं हूँ। मैं मछली के पेट में से शिवा बोल रहा हूँ। मुझे ये मछली निगल गई है। क्या, मछली के पेट में छोटी मछली? तुम्हें इतनी जल्दी माँ के पेट में ही बातें कैसे आ गई? अरे मैं इंसान हूँ, मछली नहीं। मुझे इस मछली के पेट से बाहर निकालो। अगर मछलियाँ बातें करने लगी तो हमारे व्यापार का क्या होगा? हमारी पकड़ी हुई मछलियाँ अगर ऐसे ही हमें बचाने के लिए कहती रहेंगी तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा? ये तो कोई अद्भुत लग रहा है, पर मैं जानता हूँ कि बिना मोहिलाए मछलियाँ बातें करती हैं। तुम्हें आज टुकड़ों में काट कर गाँव के लोगों में बेच दूंगा। क्यों तुम्हें बताकर परेशान करें, यही सोचकर अब तक चुप रहा? क्यों रे, तू मुझे टुकड़ों में काटकर मेरा मांस बेचेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अगर मैं बाहर आया तो तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तुम्हें ट्रैक्टर से बांध कर रखा है। तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें काटेंगे। ये गलत है, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे बचाने की बजाय मार रहे हो। हर मछली यही कहती है, अगर हर किसी की बात सुनने लगे तो हमारा व्यापार नहीं हो सकता। अरे ओ मूर्ख, मैं मछली नहीं, मैं इंसान हूँ। मैं मछली के पेट में हूँ। मुझे कुछ ना कुछ करके बाहर निकालो, तुम लोगों की मेहरबानी होगी। शिवा की ये बातें सुनकर मछुआरों को यकीन हो जाता है कि जो बात कर रहा है वो मछली नहीं, मछली के पेट में इंसान है। यही सोचकर तुरंत वो एक बड़ी सी लकड़ी लेकर मछली के पेट पर मारने लगते हैं। अंदर से शिवा, अरे अरे आ, अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे आ, आ, अरे अरे मत मारो, अरे! ये कहकर वो चिल्लाने लगता है। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे लकड़ी से मार रहे हो और ऊपर से पूछ रहे हो कि क्या हुआ? मैंने मछली को मारा है, तुम्हें नहीं। वैसे मैं मछली को मार रहा हूँ तो आप क्यों चिल्ला रहे हो? क्या आप सही में इंसान हो, या जैसे हम सोच रहे हैं वैसे मछली बात कर रही है? पता नहीं क्यों मुझे संदेह हो रहा है। ठीक है बेटा, कल संडे है, मार्केट में हम इसका मांस बेच देंगे, तो आप बाहर आ जाना। क्या मैं कल तक इसके पेट में रहूं? तुम्हारी अक्ल तो ठीक है ना? तुम एक काम करो, तुम इस मछली का मुंह खोलो, मैं जैसे तैसे करके बाहर आ जाऊंगा, ठीक है? ये बातें शिवा की प्रेमिका को पता चलती हैं और वो रोते हुए वहां आकर शिवा का बाहर आने का इंतजार करती है। मछुआरे मिलकर मछली का मुंह और उसके जबड़े खोलते हैं। शिवा बहुत ही मुश्किल से उस मछली के पेट से बाहर आता है। तुरंत शिवा की प्रेमिका उसे अपने गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो शिवा, मैंने अपने बड़ों के डर से तुम्हें इनकार किया था। तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। I love you so much। कभी कभी अनजाने में हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। ट्रैक्टर वाला कॉमेडी। एक शहर में राजू नाम का व्यक्ति ट्रैक्टर चलाता था। शहर का कचरा डंपिंग यार्ड तक ले जाकर रोजगारी करता था। कान में हेडफोन्स लगाकर गाने सुनते हुए ट्रैक्टर चलाना उसकी आदत थी।
कोई भी पुकारे तो बिना सुने निकल जाता था। एक दिन सुबह सुबह वो जब गलियों से गुजर रहा था, तब ट्रैक्टर में कचरा डालने के लिए जोसेफ नाम का व्यक्ति उसके घर के सामने खड़ा था। उसे देखकर राजू अनदेखा करके निकल गया। तब जोसेफ, ओए राजू, यहाँ पे ट्रैक्टर रुका रे, कचरा डाल रहा है, तुझे ही बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वैसे भी कान में हेडसेट लगा के गाना सुनता रहेगा तो मेरी आवाज तेरे कान तक कैसे जाएगी? ये कब सुधरेगा पता नहीं। ये अगर मेरे हाथ में मिला तो वो हेडसेट निकाल के फेंक दूंगा। कहते हुए अपना कचरा डब्बा हाथ में लेके ट्रैक्टर के पीछे भागा। भागते हुए जाके ट्रैक्टर में कचरा डाला। राजू वैसे ही ट्रैक्टर चलाते हुए थोड़ी दूर जाने के बाद रॉकी नाम के व्यक्ति के घर के सामने कचरा गिराया। तो रॉकी, अरे राजू, यहाँ पे कचरा गिरा रे, थोड़ा देख के चला, कह के पुकारने के बावजूद बिना सुने राजू वैसे ही आगे निकल गया। तब रॉकी अपने मन में सोचा, राजू को कितनी बार बोलने के बावजूद नहीं सुन रहा है, ट्रैक्टर नहीं रुका रहा है, कल इसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन राजू ट्रैक्टर चलाते हुए जब आया तो रॉकी अपनी बाइक को ट्रैक्टर के सामने गिराया। तो राजू, क्या सर, ट्रैक्टर के सामने बाइक क्यों गिराया, क्या इसे भी ट्रैक्टर में डालना है? पूछा, नहीं रे, ट्रैक्टर में से रोज हमारे घर के सामने कचरा गिरा रहा है, उस कचरे के वजह से कल मैं फिसल के नीचे गिरा, कितनी बार बुलाने के बावजूद ट्रैक्टर तुमने रुकाया नहीं। ठीक है सर, तो तुरंत उस बाइक को ट्रैक्टर में डाल दीजिए, आपके घर के कचरे भी लाके जल्दी इसमें डालिए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या सुन रहा है, पहले तेरे कान में से उस हेडफोन्स को निकाल के फेंक, तब जाके तुझे सुनाई देगा। कहकर जाके राजू के कान से वो हेडफोन्स निकाला। अभी सुनाई दे रहा है, तेरे कचरे के वजह से मैं कल फिसल के नीचे गिरा। ओहो, वैसा क्या सर, अब से मैं ठीक से काम करूंगा, कचरा भी नीचे नहीं गिराऊंगा। कहकर वो वहां से निकल गया। ऐसे राजू कोई भी पुकारे तो बिना सुने वैसे ही कान में हेडफोन्स लगा के गाने सुनते हुए निकल जाया करता था। एक दिन ट्रैक्टर के कचरे को डंपिंग यार्ड में डालकर वापस घर के और लौटते वक्त सुरेश नाम का आदमी उसके पास आया। सुरेश बहुत कंजूस था, एक रुपया भी खर्चा करना नहीं चाहता था, कोई भी काम फोकट में करवाने की उसकी आदत थी। अरे राजू, तुझे एक मदद करनी होगी, तू कुछ फिक्र मत कर भाई, तुझे क्या चाहिए बेफिक्र बोल, तेरे घर से कचरा लेकर जाना है ना? ठीक है, कुछ देर बाद मैं आकर लेकर जाऊंगा। कचरा नहीं रे, मुझे तेरा ट्रैक्टर चाहिए, तू अभी निकल भाई, मैं बाद में तुम्हारे घर आके कचरा ले जाऊंगा। अरे बाप रे, मैंने जो बोला है लगता है इसे सुनाई नहीं दिया, पहले इसके कान से जाके हेडफोन्स निकालता हूँ, तब जाके सुनाई देगा। कहकर वो कान से हेडफोन्स निकाला। क्या हुआ भाई आपको, अच्छा गाना सुनते वक्त हेडफोन्स क्यों निकाला? बात ये है कि मुझे अभी तुरंत एक शादी में जाना है, मैंने जो किराए के लिए ऑटो मंगवाया था ना, वो नहीं आया, तू हमें शादी के फंक्शन हॉल तक पहुंचा देगा? शादी कहाँ हो रही है? हमारे शहर के बाहर जो फंक्शन हॉल है ना, उसमें हो रही है, वहां तक हमें पहुंचा दे, तुरंत वापस आ जा, मेरा ट्रैक्टर में तो बदबू आ रही है, इस गंदे ट्रैक्टर में आप शादी में जाएंगे ना, फंक्शन हॉल पहुंचने तक कचरे में मिलके कचरा बन जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा रे, अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तू हमें वहां तक पहुंचा देना भाई। ठीक है, कुछ देर रुको, मैं तुरंत इस ट्रैक्टर को साफ करता हूँ, बदबू जाने के लिए परफ्यूम भी मारता हूँ, तब आप इसमें आराम से बैठकर जा सकते हैं। कहकर ट्रैक्टर को साफ करके कचरे का बास ना आए वैसा एक परफ्यूम मारा। भाई ट्रैक्टर रेडी? क्या भाई, क्या तुमने किया, ट्रैक्टर तो तुम्हारा बिल्कुल नया बन गया, आहा क्या खुशबू आ रही है। कहकर सब लोग ट्रैक्टर में बैठे। उसके बाद राजू इंजन पे जाके बैठा, कान में हेडफोन्स लगाकर गाने सुनते हुए ट्रैक्टर चलाया। वैसे कुछ दूर जाने के बाद ट्रैक्टर का डब्बा इधर उधर हिलने लगा। तब सुरेश, अरे राजू, भाई राजू, ये डब्बा इधर उधर हिल रहा है, लगता है हम सब नीचे गिरेंगे, थोड़ा ट्रैक्टर को रुकाना भाई, क्या हुआ देख, कहा। पर राजू हेडसेट लगा के गाने सुनने के वजह से सुरेश की बातें उसे सुनाई नहीं दिया। सुरेश उसे बहुत बार पुकारने के बावजूद वो नहीं सुन पाया, वो वैसे अपने ही धुन में चलता गया। और कुछ दूर जाने के बाद इंजन से डब्बा का लिक छूट गया। तब सुरेश,
भाई भाई ये डब्बा छूट गया है, बाप रे अब कैसे होगा। अरे ये तो हमारी बातें सुन नहीं पा रहा है, क्या करेंगे। कहा और वो सब उस रुके डब्बे में वैसे ही रह गए। राजू मगर अपने ही धुन में चलता गया। कुछ देर बाद जब वो पीछे मुड़ के देखा तो डब्बा दिखाई नहीं दिया। तब राजू मन में, अरे रे क्या हुआ, मेरा ट्रैक्टर का डब्बा कहाँ गुल हो गया। अरे रे सुरेश भाई, अरे वो लोग तो सभी डब्बे में रह गए। सोचकर फिर से गाड़ी को उल्टा घुमाया और डब्बे के पास गया। क्या हुआ भाई, डब्बा कैसे निकल गया, कम से कम मुझे आवाज तो देना चाहिए था ना। अरे मैंने कई बार तुझे आवाज दिया पर तूने सुना नहीं, कितने बुलाने पर भी पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। अरे रे सॉरी भाई, मैं कान में हेडसेट लगा के गाना सुन के ट्रैक्टर चलाने के वजह से तुम्हारी बातें सुन नहीं पाया। अब कोई फिक्र नहीं, तुरंत मैं इंजन से डब्बे को लिंक करवाता हूँ। लिंक का रॉड घिस घिस के टूट गया है, मेरे पास और एक लिंक रॉड है। आप कुछ फिक्र मत कीजिए, आप लोगों को फंक्शन हॉल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है भाई जल्दी से कर। एक मिनट भाई, कहकर इंजन से डब्बा लिंक किया। राजू फिर से कान में हेडसेट लगाकर गाना सुनते हुए ट्रैक्टर चलाने लगा। तब सुरेश, भाई राजू कम से कम इस बार तो हमें ठीक से पहुंचा दे। बाद में ट्रैक्टर आके शहर के बाहर रहा फंक्शन हॉल के पास पहुंचा। तब राजू को सुरेश आवाज दिया, अरे रे फंक्शन हॉल पार कर गए, कितना बुलाने पे भी ये राजू तो नहीं सुन रहा है। अरे अबे अबे राजू, अबे भाई राजू, कहकर बुलाने लगा। फिर भी राजू बिना एक सुने ट्रैक्टर को वैसे ही डंपी यार्ड के पास लेकर गया। छी 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 छी, ये क्या, ये बदबू, ये हमें कहां लेकर आ गया, अरे ये यहाँ पे क्यों लेकर आया, कहीं वो इस डब्बे में कचरा है ये तो नहीं सोच रहा है। अरे नहीं भाई राजू, राजू राजू बिना सुने ट्रैक्टर के जैकी को एकदम से ऊपर उठाया तो डब्बे में बैठे सभी उस कचरे में जाके गिरे। उसके बाद राजू नीचे उतर के देखा तो उस कचरे में सुरेश और बाकी के लोग गिरे हुए थे। उन्हें देखकर शॉक हुआ। तब सुरेश, भाई राजू ये क्या किया तुमने, हमें शादी में लेकर जाने के बदले में इस डंपयार्ड में लेकर आके यहाँ पे गिराया। अरे रे इस गंदे बास को संभाल नहीं पा रहा हूँ, हमारे कपड़े सारे खराब हो गए, अब क्या करेंगे। अरे रे मुझे माफ कर दो भाई, डब्बे में आप हैं कहकर मुझे ध्यान ही नहीं आया, रोज यहीं पे कचरा डंप करता हूँ, इसलिए आप हैं ये भूल के आप लोगों को इस कचरे में डाल दिया। क्या हुआ राजू, कितना पुकारने के बावजूद नहीं सुना, पुकार पुकार के मेरा गला खराब हो गया, फंक्शन हॉल में जाने वाले आके ऐसे कचरे में गिरे। अरे रे मुझे माफ कर दो भाई, कान में हेडसेट डाल के ट्रैक्टर चलाने की वजह से ऐसा हुआ है, आप बुलाने पर भी नहीं सुन पाया इसलिए ये समस्या आई। आज के बाद ये ट्रैक्टर चलाते वक्त हेडफोन इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस घटना के बाद मुझे अक्कल आई, मेरे कंजूसी के वजह से ही तुम्हारे कचरे के ट्रैक्टर में चंदा पड़ा, तेरे ट्रैक्टर में मुफ्त में फंक्शन हॉल तक जा सकता हूँ सोचा, लेकिन आके इस कचरे में गिरा। आज के बाद मैं भी मेरे इस कंजूसीपन को छोड़ दूंगा, कहकर सब लोग मिलके उसके ट्रैक्टर में अपने घर गए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।